ऐसा लग रहा ताजा ताजा किसी बेकरी से आए हैं। वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट इंस्टेंटली ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश छोटे छोटे बन बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम अंडे तोड़ लेंगे। यहाँ हमारे पास चार अंडे हैं, ये ले लेंगे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर है, ये बच्चों को बड़ों को सबको बड़े अच्छे लगते हैं। अब फ्रेश फ्रेश बन जाते हैं और लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। अंडों में डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून शक्कर, मिलाएंगे। और अब इसमें डाल देंगे 2 कप दही। बीट करेंगे। चलिए ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून, और यहाँ हमारे पास मैदा है जो कि 3 कप है, तो वो छानते जाएंगे और डालते जाएंगे। 3 कप राउंडेड लिया है मैंने। ये हो गया और अब इसे मिला लेंगे। तो ये अच्छे से मिल गया। और अब यहाँ देखिए हमने ऑयल रखा है, थोड़ा सा डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, शैलो फ्राई से थोड़ा ज़्यादा डाला है। और ये स्टिक डाले तो ये देखिए स्लोली बबल्स बन रहे हैं, फास्ट नहीं बन रहे हैं। एग्जैक्टली हमें ये टेम्परेचर चाहिए। 1 चम्मच लेंगे जिसको पानी में भिगो दिया है, और इसमें से मनपसंद साइज़ के बॉल्स लेंगे, जितना आपको पसंद है ना उस हिसाब से साइज़ लें। तो ये लेंगे और इसको इस तरह से डाल देंगे। दोबारा डिप करेंगे और इस तरह से डाल देंगे। तो जितनी जगह है इतना डाल देंगे। थ्री मिनट्स ईच साइड करेंगे, जब हल्का सा सुनहरा कलर होगा तब पलट देंगे। ये देखें कितना अच्छा सा कलर हो गया है। हाउ इजी ना। पांच छह मिनट हो गए हैं तो चलिए इसे निकालते हैं हम। ये गरम गरम जब चाय के साथ खाएंगे ना मज़ा आ जाएगा। चाहे रूखा खा लें, चाहे जैम के साथ, चाहे बटर के साथ, बड़ा मज़े का लगता है। तो बस कंटिन्यू करते हैं। देखिए जब पक जाएंगे ना तब आपको लगेगा वज़न जो है उसका बहुत कम हो गया है। अगर आपको लगता है कि चूल्हा थोड़ा सा तेज़ है, हल्का सा जैसे बबल बताया था ना उससे एक पॉइंट पे हो गया है, तो थोड़ा स्लो कर दीजिएगा।
बस वो बैच निकलने वाला है, तो चले इससे हम डिश आउट कर लेते हैं। निकाल लेते हैं, चूल्हे को करते हैं बंद। लीड रख देते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारे खतरनाक से बंस बन गए इंस्टेंटली। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसे रहा। गर्मा गर्म ऐसा लग रहा ताजा ताजा किसी बेकरी से आए हैं। आपने देखा जरा भी ऑयल नहीं है, लेकिन हमें बड़ी धीमी आंच पे से फ्राई करना है। आप देखेंगे जैसे पार्श कलर आ गया तो उसमें वजन होगा, स्लो स्लो आएगा, ज़्यादा देर पकेगी वजन ख़त्म होता जाएगा और पकती जाएगी। रूखी भी इतनी अच्छी लग रही है, इसके साथ थोड़ा जैम लगा लें, मक्खन लगा लें, बच्चों को दे दें, लंच बॉक्स में दे दें, फ्रीज़र में रख दें, जब दिल चाहे थोड़ा सा गर्म करके और खा लें। ये आप लोगों के लिए पूरी खाऊंगी। माइंड ब्लोइंग। और देखा कितनी ढेर सारी बन गई। तो क्या बनाना बनता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, टेक्सचर भी बड़ा अच्छा है, और फिर फ्रेश कितनी है। मज़ा आ गया। तो चलें आप लोग भी जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।